लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को? क्या बोले चाचा जी के लिए, क्या बोले तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इसमें। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। आम चुनाव 2024 के तहत पहले चरण का चुनाव हो चुका और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। इससे पहले आपस में जितने भी दल हैं वो खूब जूझ रहे हैं, एक दूसरे पे वार कर रहे हैं, पलटवार हो रहा है। वैसे सियासत की तासीर कुछ ऐसी होती है जो चुनावी माहौल में वार पलटवार खूब होता है, उसमें कई बार शब्दों की मर्यादा भी नहीं बचती है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू यादव पे बहुत तेज हमला बोला है और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती कह रहे हैं कि चाचा के बात पर क्या बोले। तो सबसे पहले सुनिए नीतीश कुमार को। लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दो गो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था और कितना ज्यादा होता था जी, कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था, क्या हालत था। नीतीश कुमार सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने इतने बच्चे पैदा कर दिए, नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब साफ है लालू और राबड़ी देवी, और अब वो राजनीति कर रहे हैं, दोनों बेटा जो है पहले से राजनीति में है और दोनों बेटियां इस चुनाव में चुनाव लड़ रही हैं, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, एक पाटलिपुत्र से और दूसरी सारण से, उसी पर तंज कस रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। क्या कहा है, इतने ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, सब लोग आप अपने परिवार में ही रख रहे हैं, बेटी को दे रहे हैं, बेटे को दे रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या बोले चाचा जी के लिए, क्या बोले मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। नहीं, मंच से उन्होंने ये बात आज कही है, इस तरह का बोलना चाहिए। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। अब जब मीडिया वालों ने घेरा मीसा भारती को तो उन्होंने कहा कि मैं चाचा जी को क्या बोलूं, नीतीश कुमार को लालू यादव के बच्चे चाचा जी बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब परिवारवाद पर बोलना बंद किया तो फिर चाचा जी बोलने लगे। अब जो बिहार की जनता है वो बताएगी, यानी कि वो बहुत ही सधे हुए शब्दों में बोल करके आगे बढ़ गई, कुछ कहना नहीं चाहती। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जब पाला बदल करके गठबंधन से एनडीए में आए और जब विश्वास मत हासिल कर रहे थे उस समय तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया था वो काफी संतुलित था, नीतीश कुमार पे उन्होंने वार नहीं किया था और ये भी कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम ही काम आएंगे, याद कीजिएगा। तो लालू यादव और उनका परिवार बहुत मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, खासतौर से नीतीश कुमार के लिए। भविष्य के लिए जो वो है जगह स्पेस वो खाली छोड़ रहा है, नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं। बेशक वो बार बार ये कह रहे हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जिस तरीके से उन्होंने पैर छुए थे और ये बात बोले थे कि अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, उसके बाद यकीन करना मतलब लोगों के लिए आसान नहीं है कि कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या लालू यादव और उनका परिवार नीतीश कुमार से अभी भी आस लगाए है या मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके वो अपने लिए वोट बैंक को साध रहे हैं, आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।